क्वेश्चन है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 और व्यय का अनुपात 4:3 है, यदि प्रत्येक व्यक्ति 2,000 रुपया प्रति मास बचाता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। चलो शुरू करते हैं। हल में क्या लिखना है? हल में माना कि दोनों व्यक्तियों का आय, दोनों व्यक्तियों के आय का अनुपात, माना कि दोनों व्यक्तियों की आय का अनुपात 9x/7y है तथा तथा उनके व्ययों का अनुपात व्ययों का अनुपात 4y/3y है। दोनों व्यक्तियों का मासिक बचत 2,000 रुपया है, इसलिए प्रश्न से 9x-4y=2,000, समीकरण एक, 7x-3y=2,000, समीकरण दो। समीकरण एक में 3 से तथा समीकरण दो में 4 से गुना करके क्या हो जाएगा? समीकरण में 3 से 9×27x-12y=6,000, ठीक है। अगला है 4 से, सच के 28x-12y=8,000, कितना हो जाएगा? 8,000, घटाने पर है घटा दो, ये घटेगा देख लो, तो -x ये कट जाएगा, ये -2,000, माइनस से माइनस कट गया प्लस, एक सर कितना हो गया 2,000, मतलब कि आय कितना हो गया 2,000। अतः दोनों व्यक्तियों का मासिक आय बराबर 9x तथा 7x, सॉरी, और 9x और 7x, इस 9×2 बराबर 18,000 और 7×2,000 बराबर 14,000। दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा? 18,000 और 14,000 हो जाएगा। चलिए पुनः समझ लीजिए क्या है। दो व्यक्तियों का आय का अनुपात 9:7 और व्यय का अनुपात 4:3 है, यदि प्रत्येक व्यक्ति 2,000 रुपया प्रति माह बचाता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात होगी। कैसे करेंगे? तो देखिए, माना कि दोनों व्यक्तियों का आय का अनुपात 9x-7x है तथा उनके व्यय का अनुपात 4y-3y है, तो दोनों व्यक्तियों का मासिक बचत कितना है? 2,000 है। प्रश्न से क्या है? तो 9x-4y=2,000, दोनों का 2,000 बचत, इसलिए हम क्या कर दिए हैं, बराबर में 2,000 है, दोनों का बचत 2,000 है, ठीक है। समीकरण एक में 3 से तथा समीकरण दो में 4 से गुना करके घटाने पर, तो गुना कर दिया इसमें 3 से, तो 9×3 27, 3×4 12, 3×2 6, ठीक है। अगला फिर है समीकरण दो में 4, समीकरण दो में 4 से, 4×7 28, 4×3 12, 4×2 8, अब क्या है, गुना करके घटाने पर, तो गुना करके घटाने पर तो घटा दिए हैं, तो ये 27 में से 28 गया तो -x और 6 में से 8 गया तो -2, तो ये कट के क्या हो गया, प्लस में हो गया, एक्स का मतलब कितना हो गया 2,000। अगर दोनों व्यक्तियों का मासिक आय कितना हो जाएगा 9x तथा कितना है 7, तो 9 1, तो 9×2 18,000 और 7×2 14,000 आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।